Wordy, how are you guys? Very good afternoon to all of you. Very good afternoon to all of you. Hi, bye. कैसे हो? आज थोड़ा लेट हो गया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बडी. हाँ, थोड़ा लेट हो गया मेरे को आज. एक्चुअली थोड़ा सा अप्पा सर ने रोक लिया था. अप्पा सर बोले तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तो उसके चक्कर में 5 मिनट 7-8 मिनट लेट हो गया. सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कान पकड़ के, तुम्हारे कान पकड़ के, मेरा कान पकड़ के. तबीयत ठीक है, आजकल से बेटर है, काफी बेटर है. गला भी ठीक है और फीवर हल्का हल्का लग रहा है, एकदम हल्का 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 सा है, बाकी ठीक है. ओके, सो कल हम लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे दोस्तों. हाँ है ना, व्हाट इज म्यूचुअल फंड बेसिकली, बताइए जल्दी से. म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज बेसिकली यू नो व्हाट, कि जो लोगों से पैसा लेता है और मार्केट में लगाता है. जो लोगों से क्या लेता है बेटा? पैसा लेता है और कहां लगाता है दोस्तों? हु इज अप्पा सर? अप्पा सर मतलब अपने आशीष सर. मुझे लगा आज क्लास नहीं लोगे आपने. नहीं, क्लास तो लेंगे ना. कैसे कैसे असक 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 चालना नहीं ना. यस सर, नो. ओके बड़ी, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट दी व्हाट, जब वो लोगों से पैसा जमा करता है और कहां लगाता है? मार्केट में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड. आपने ऐड देखा होगा म्यूचुअल फंड. सही है सर, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? अरे रखता हूं, ऐसी बात नहीं है. उस दिन क्या हुआ ना, मैंने कुछ बाहर का खाता भी नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे मेरा गला कफ, मेरा गला जैसे खराब होता है ना. हाँ, उस दिन की मोदी सर जल्दी चले गए थे, मेरा मैराथन था, तो तुम लोगों का 2.5 आवर का मैराथन हुआ, फिर एग्जीक्यूटिव हुआ कंटिन्यूसली, 7 घंटे का लेक्चर हो गया. तो 7 और 7:30 कितने, 2.5 कितने हो गए? 9:30. और फिर बीच में उसी दिन शायद से दही हांडी का भी प्रोग्राम था कि क्या था, तो उस दिन नहीं थी दही हांडी, उसके पहले थी, उसके पहले दिन दही हांडी थी, तो उस दिन भी मैं थोड़ा डांस वेंस किया था दही हांडी में, तो थका हुआ था और 9-10 घंटे के लेक्चर हो गए, तो थोड़ा गला एकदम पैक. और गला जैसे खराब होता है ना, मेरे को फीवर आना ही आना है, अपना डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, सो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, पानदान और थूकदान, और जिंदगी से परेशान लेकिन मेरी जान. आइए, ध्यान रखने के लिए मैम है ना. हाँ, वो इच नहीं रखते ध्यान, क्या बोलूं मैं, अब दूसरी मैम देखनी पड़ेगी. सब 25 को रिजल्ट आ रहा है, क्या होगा? सब अच्छा ही होगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? रब राखा, सब बढ़िया होगा, सब जोरदार होगा. ओके, आइए चलिए अभी म्यूचुअल फंड पे आ जाते हैं दोस्तों. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना, कल मैंने क्या बताया था आपको म्यूचुअल फंड के बारे में? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि भाई साहब जो म्यूचुअल फंड है वो कब आया बेटा? 1963 में. कब आया म्यूचुअल फंड बताइए? 1963. क्या बना दोस्तों? UTI, दैट इज व्हाट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. स्क्रीन दिख रही है आपको? वेरी गुड सर. आप ज्यादा जिम मत जाया करो, बिकॉज ज्यादा एक्सरसाइज कॉज हार्ट डिसीज. ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो कुछ मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो होता है, बाकी तो मैं तो 3-4 साल हो गए कर ही रहा हूँ यार, 5-6 साल हो गए कर ही रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत. मैं बहुत हैवी थोड़ी कर रहा हूँ, अपना नॉर्मल नॉर्मल, अपने थोड़ी बॉडी बनानी है बहुत ज्यादा, कोई शो में थोड़ी जाना है, 6-8 एप्स थोड़ी निकालना है अपने को, फिट रहना है बस. हाँ जी, कोई ये ना बोले देखो अंकल जा रहा है, बोलते हैं फिर भी साला. एक दिन मैं बता रहा हूँ, एक आया अंकल सोसाइटी से, मैं नीचे उतर रहा था, मैं नीचे लिफ्ट से बाहर आया, मेरे को लड़का मिल गया, बोले अंकल अंकल मेरे को प्लीज लिफ्ट पे तक छोड़ दो ना, ऊपर तक घर तक छोड़ दो ना. मतलब हाँ ठीक है, उसको ऊपर छोड़ा, उस दरवाजा खुला, उसको पकड़ लिया, जाने नहीं दिया बाहर, वापस लिफ्ट बंद की, उसको नीचे लेके गया, क्योंकि मेरे को क्लिक हुआ कि उसने मेरे को अंकल बोला. मैंने बोला तूने क्या बोला मेरे को? बोले अंकल. मैं बोला मैं अंकल दिखता हूं भैया. उसने फिर बोला भैया, फिर मैंने अंदर लिया, उसको ऊपर छोड़ा, फिर मैं ऑफिस में आया. ईगो हट हो जाता है कभी कभी यार, बताइए ठीक है ना. ओके, स्टोरेज की वो तो मैं देता ही नहीं हूं. चलिए, सो यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, है ना, यूटीआई इज व्हाट बेटा आपका? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. 1963 में देश और दुनिया में पहली बार, दुनिया में नहीं देश में पहली बार कौन सा कंसेप्ट आया आपका? म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट देश और दुनिया में पहली बार आया. यस और नो? चलिए सर. और स्कीम का नाम था US-64. स्कीम का नाम क्या था दोस्तों? US-64. अब हम उसके सेकेंड फेज की बात करते हैं.
चले सेकेंड फेज की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड फेज में क्या बोला गया है, सेकेंड फेज में ऐसी बेसिकली बोला गया है कि भैया कि यहां पे पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड को हमने एंट्री दे दी, करेक्ट है, जैसे LIC है ना, GIC इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, और उसमें सबसे पहला जो था वो था SBI म्यूचुअल फंड। कौन सा फंड था बेटा? SBI म्यूचुअल फंड वॉज द फर्स्ट नॉन UTI म्यूचुअल फंड। नॉन UTI मतलब UTI को छोड़ के, पहला कौन था? UTI, उसको छोड़ के जो आया वो कौन था? SBI। कब आया ये? 1987। कब हुआ ये दोस्तों? 1987। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट नॉन UTI म्यूचुअल फंड। क्या था? SBI नॉन UTI म्यूचुअल फंड। नॉन UTI मतलब UTI को छोड़ के। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए विच वॉज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड तो आप क्या बोलोगे? UTI। विच वॉज द फर्स्ट नॉन UTI म्यूचुअल फंड? SBI। उसके बाद तो बाकी लोगों ने भी एंट्री कर ली, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत लोग आ गए, बहुत लोगों ने क्या कर ली दोस्तों? एंट्री कर ली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। सेकेंड फेज में इतना ही याद रखना है ना, सेकेंड फेज में इतना ही याद रखना कि कौन आ गया? SBI आ गया। थर्ड फेज में भाग भाग शेर आया, शेर आया, शेर। भैया म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने के लिए कौन आ गया? SEBI। तो थर्ड फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? कौन आ गया? SEBI इन द ईयर 1992। कब आया SEBI? 1992 में आपका SEBI आ गया। 1992 में क्या आ गया? SEBI। और SEBI ने अपने म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन बना दिए 1993 में। 1993 में SEBI ने क्या बना दिए? म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस बना दिए, है ना। सो कोई पूछे आपसे कि थर्ड फेज में क्या हुआ 1993 के टाइम पे, क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे? SEBI आया। SEBI का ईयर कौन सा है? 1992। SEBI कब आया? 1992। और उसने म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन बनाया 1993 में, करेक्ट है। अच्छा, यहां पे वो सब म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता था सिर्फ UTI को छोड़ के। SEBI ने क्या बोला? हम सबको संभालेगा। क्या बोला? हम सबको संभालेगा सिर्फ एक को छोड़ के। किसको? UTI को। सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सबको हम संभालेगा, UTI को। हालांकि आज तो UTI को भी कौन संभालता है? SEBI। 2000 के बाद में वो भी चेंज हो गया। अच्छा, UTI का डाइवोर्स हो गया। UTI का क्या हो गया दोस्तों? डाइवोर्स हो गया, है ना। UTI का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, आगे हुआ, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कोठारी पायोनीर, कोठारी, ये मेरे ससुराल वाले हैं बेटा। 143 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई लव यू टू, लेकिन लाइक सिर्फ 61 है। एटलीस्ट उसको 140 लाइक कर दो, जल्दी से, डू इट फास्ट। जो लाइक नहीं करेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो शेम जेंडर से होगी। तो जिंदगी आपकी, लाइफ आपका, फैसला आपका, करना है तो कर दो, वरना मैंने तो जाना है घर पे, मैंने चले जाना है घर पे, बता रहा हूं, मैंने चले जाना है भैया। हाँ जी, सो डन, करेक्ट है सर। एक बार सेकंड बताओ ना, सेकंड वाला बता दूं। सेकंड फेज बेटा देखो, सेकंड फेज में कौन आ गया? SBI आ गया। SBI ने पहला म्यूचुअल फंड बनाया जो UTI को छोड़ के, जो पहला म्यूचुअल फंड है वो कौन था? SBI। तो सेकंड फेज में इतना याद रखना आप। थर्ड फेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो थर्ड फेज पे क्या हुआ मेरी जान? तो तीसरे फेज में आ गई SEBI। कौन आ गई पिक्चर में? SEBI आ गया, बोले अब हम देखते हैं। और सारे म्यूचुअल फंड को, सारे म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करने लग गया? SEBI, एक को छोड़ के। किसको? UTI को छोड़ के, ठीक है सर। अच्छा, मेरे ससुराल वाले कोठारी, बहुत पैसे वाले हैं, कोठारी पायोनियर नाउ मर्ज विद दी फ्रैंकलिन वॉज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। कोई आपसे पूछे प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड में पहला कौन आया? पहला म्यूचुअल फंड UTI, पहला नॉन UTI म्यूचुअल फंड SBI, और फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड इज द कोठारी। यस और नो? फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड इज द व्हाट बेटा? आपका कोठारीज। तो पहला प्राइवेट म्यूचुअल फंड किसने स्टार्ट किया? कोठारीज। और SEBI ने बोला कि भैया हाँ सर, SEBI ने UTI को कंट्रोल करने से मना क्यों नहीं है? क्योंकि UTI गवर्नमेंट का था ना, तो SEBI बोले हम सबको संभालेंगे UTI को छोड़ के। लेकिन आगे बाद में UTI का पावर भी किसको दे दिया गया? SEBI को दे दिया गया। मतलब आज करंटली अगर देखा जाए तो सारे म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करता है? SEBI, है ना। सारे के सारे म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है? SEBI भाई साहब कंट्रोल करते हैं। चले, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, जोरदार सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट वन, प्राइवेट एंट्री आ गई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए ये फोर्थ फेज, इसमें इतना ही याद रखना आपको, फोर्थ फेज में क्या हुआ? UTI का डाइवोर्स हो गया।
डाइवोर्स मतलब यूटीआई दो भाग में टूट गई, कितने भाग में टूट गई, दो पार्ट में यूटीआई टूट गया। सर कौन से दो पार्ट थे? पहला था बेटा स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा था यूटीआई म्यूचुअल फंड। दो पार्ट में सेबी का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, सॉरी सेबी बोल रहा हूं, यूटीआई का डिवीजन हो गया दो पार्ट में। एक का नाम था स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ व्हाट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सू यूटीआई, क्या बोलोगे इसको, सू यूटीआई, सू मतलब स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, यूटीआई स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ व्हाट, यूटीआई, गॉट द पॉइंट, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ व्हाट बड़ी, यूटीआई, और दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब इसके इस टाइम पे हमने बोला कि अब सारे के सारे म्यूचुअल फंड को कौन कंट्रोल करेगा, सेबी, ठीक है। तो फोर्थ फेज में क्या याद रखोगे, यूटीआई दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक कौन सा स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई एंड द अदर वन इज व्हाट, यूटीआई म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड, ऐसे दो पार्ट में क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया, है ना, सू यूटीआई, सू यूटीआई मतलब स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई, और दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो फोर्थ फेज थी ना, इसमें लोगों ने बहुत उम्मीद जुड़ाई थी, किससे उम्मीद जुड़ाई थी बेटा, कि बोले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करेगी, तो यहां पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है। आज देखो गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड सेक्टर कहां पहुंच गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। अब हम करंट की अगर हम बात करें, करंट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो आज की अगर हम बात करें, तो आज म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ही यू नो ट्रिमेंडस क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। क्या क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहले देखा जाए तो 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, कौन सी, म्यूचुअल फंड, कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, सोचो 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। फिर देखो इन्वेस्टर फोलियो मतलब इन्वेस्टर के अकाउंट 4 करोड़ से 5 करोड़ हो गए 2016 में, पहले 4 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड में, अब कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, 5 करोड़, पहले 4 करोड़ करते थे, अब कितने कर रहे हैं, 5 करोड़ कर रहे हैं भाई साहब। सो देख कहने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है, 4 से 5 करोड़। सर आपने जो कल शेयर्स के वैल्यूएशन बताया था वो कैलकुलेट करने पे तो कुछ और ही वैल्यू आ रही है, नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, ऐसे कैसे आएगा। फिर बोला है हर ऑन एन एवरेज 3.38 लाख न्यू फोलियो, फोलियो मतलब म्यूचुअल फंड के अकाउंट आर एडेड एवरी मंथ, हर महीने में कितने अकाउंट एड हो रहे हैं, 3.38 लाख मतलब 4 लाख अकाउंट हर महीने एड हो रहे हैं, 4 लाख अकाउंट एवरी मंथ एड हो रहे हैं भाई साहब, मतलब लोग म्यूचुअल फंड में अब क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि सचिन तेंदुलकर आता है म्यूचुअल फंड सही है, धोनी आता है इसकी इनिंग्स की, इसकी नई इनिंग्स की शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड सही है, हाय है ना, ठीक है। सो ये बढ़ गया, एक एनएवी का फुल फॉर्म आता है नेट एसेट वैल्यू, आपको ना पूछा जा सकता है एनएवी का फुल फॉर्म क्या आता है, नेट एसेट वैल्यू, एनएवी इज व्हाट बेटा, नेट एसेट वैल्यू। अच्छा एक होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा सुनवा, मैंने डिसाइड किया जैसे मैं करता हूं, मैंने आपको कल बताया भी था, मेरे मैसेजेस भी आपको बताए थे कि हर महीने मेरे कुछ 40-50 हजार रुपए किसमें जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, हर महीने 50 हजार रुपए मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूं, तो ये 50 हजार रुपए हर महीने मैं डाल रहा हूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एसआईपी, एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में हर महीने या हर क्वार्टर में पैसे डालना, मतलब रेगुलर इंटरवल में पैसा डालना, उसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, है ना। एक तो या तो आप डायरेक्टली लमसम डाल दो, पूरा पैसा डाल दो, एक हौले हौले करके डालो, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, हौले हौले क्या करूंगा, पैसा डालूंगा, हौले हौले पैसा डालूंगा, दिस इज नथिंग बट वॉट एसआईपी। तो कोई आपसे पूछे एसआईपी क्या है, तो आप क्या बोलोगे मेरी जान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या बोलोगे, बोलो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसका मतलब भी क्या हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब भी बाबूजी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा
हर महीने एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा आप कहां डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, उसको अपन बोलते हैं क्या जी, SIP। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, SIP। गॉट द पॉइंट? यस और नो? गॉट द पॉइंट बड़ी? क्लियर है यहां तक बात? व्हाट इज SIP? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि SIP में पैसा कब कब डालते हो, तो क्या बोलोगे? रेगुलर इंटरवल। क्या बोलोगे? रेगुलर इंटरवल में हम कहां पैसा डालते हैं? SIP में पैसा डालते हैं। रेगुलर इंटरवल में हम कहां पैसा डालते हैं दोस्तों? SIP में डालते हैं। करेक्ट है? आते सुनो, हाँ या ना? ऑनलाइन स्टूडेंट, अभी तक आपने जो लाइक नहीं करा है, आई डोंट लाइक यू, मैं आपके ऊपर सू कर देगा। क्या कर देगा? मैं आपके ऊपर सू कर देगा। कोई है क्या? कौन थे? मैं सू कर देना है, मैंने कर देना है सू, बता रहा हूं मैं आपको। जल्दी से आपने लाइक कर देना है बेटा, डू इट फास्ट बाबू। चलिए, एक मिनट, कहां गया सर? आप वन मंथ में 4 बुलेट ले सकते हो, इतना कमाते हो, ऐसा क्या? सचित बोले कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तेरी सासू कौन सा समझ नहीं आ रहा है, कौन सा समझ नहीं आया बताओ? सर आप पंजाबी हो? नहीं जी, मैं अब मारवाड़ी है रे। आइए सुनो, अच्छे से ध्यान से सुनो। पांचों वाला नहीं समझा, पांचों वाला समझाता हूं। SIP समझा क्या? चलो SIP समझाता हूं। SIP सुनो पहले, SIP क्या होता है? SIP का फुल फॉर्म क्या है? SIP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या होता है? सुनना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल में पैसा हम लोग कहां डाल रहे हैं? म्यूचुअल फंड में। जैसे मेरा कितने का SIP है? 50,000 रुपए। मैं हर महीने 50,000 रुपए क्या डालता हूं? म्यूचुअल फंड में डालता हूं। तो ये क्या हो गया? SIP। गॉट द पॉइंट? इजी है, गॉट द पॉइंट? इजी है। दिस इज व्हाट SIP। आई होप सो। अब ये SIP क्लियर होगा। अब SIP की अगर हम बात करें तो कितने लोग अभी SIP करना चालू कर दिए म्यूचुअल फंड में? देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली SIP की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1 करोड़ लोग SIP कर रहे हैं। कितने करोड़? 1 करोड़ लोग SIP कर रहे हैं। मतलब 1 करोड़ लोग हर महीने एवरी और नॉर्मली ये मंथली ही होता है, हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। दिस इज वॉट SIP। अब आपको SIP में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। SIP समझ में आ गया? हाँ जी, ऐसा ही होता है बेटा, शशिकांत गुले। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको SIP। दूसरा मैंने आपको बताया कि बेटा म्यूचुअल फंड के अंदर पांचवें स्टेज में हुआ क्या है। तो पांचवें स्टेज में म्यूचुअल फंड में पहले अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो कितने लोग म्यूचुअल फंड में डालते थे? देखो, कोई SIP करते हैं, कोई पूरा पैसा लमसम डाल देते हैं, है ना? ऐसे लोग है ना? यस और नो? करेक्ट है? सुनो, तो अब देखो यहां के अंदर कितने लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हैं, देखना जी बेटा जी। सो यहां म्यूचुअल फंड के अकाउंट 2016 में देखोगे तो म्यूचुअल फंड में कितना लोग पैसा डाल रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ लोग। अप्रोक्सीमेटली कितने करोड़ लोग? 5 करोड़ लोग कहां पैसा डाल रहे हैं? म्यूचुअल फंड में। अप्रोक्सीमेटली कितने करोड़ लोग डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में? 5 करोड़ लोग पैसा डाल रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ या ना, बोलो ना बेटा। अजी बेटी पुष्पा, बोलो ना, कितने करोड़ लोग पैसा डाल रहे हैं? 5 करोड़। ये भी ठीक है। सर आपने 1 करोड़ बोला, 1 करोड़ तो SIP करते हैं, बाकी लोग लमसम में डाल देते हैं, एक साथ ही डाल देते हैं, ऐसे करके 5 करोड़ लोग डालते हैं म्यूचुअल फंड में। ओके सर, NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। देखो, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, जब भी आप कहां पैसा डालते हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो ना, तो जैसे कंपनी में आप पैसा डालते हो तो आपको क्या मिलते हैं? कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड में जो आपको वो आप पैसा डालते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट्स। और यूनिट्स का जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं NAV, दैट इज व्हाट? नेट एसेट वैल्यू। व्हाट इज NAV? नेट एसेट वैल्यू। बोलो, व्हाट इज NAV? नेट एसेट वैल्यू। हाँ है ना मियां हबीबी, तुमको समझ में आती?
अरे मैं क्या बोलती तुमको समझ में आती। अब इसमें पूरा एक बार समराइज करेंगे, याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी याद करवा देता हूं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ, आंसर करते हुए चलना। 1963 में हुआ उन्होंने, और पहला म्यूचुअल फंड कौन था, यूटीआई था। यूटीआई का स्कीम का नाम क्या था, S64, याद है। यूटीआई को कौन कंट्रोल करता था, अरे भैया याद है, चलिए बहुत बढ़िया सर, ऐसा भी मैं डायरेक्ट पैसे कट होते हैं बैंक से, यस। अभी याद करवा देते हैं तुमको, अब भी अरे क्या बात कर रहे हो भैया तुम, अब भी याद करवा दे देंगे तुमको, कोई बात है क्या तुम्हारे लिए, येरे दू क्या हाँ क्लियर है एकदम परफेक्ट। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी फेज में क्या रखना है, तो दूसरी फेज में आ गया कौन, पब्लिक सेक्टर को हमने एंट्री दे दी, और पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला कौन आया, SBI। उसके बाद तो बहुत सारे बैंक आ गए भैया, बहुत सारे बैंक आ गए, तो इसमें इतना याद रखना, क्या तुम्हें याद है, है? है? चलिए वेरी गुड। तीसरी अगर हम बात करूं, तीसरे फेज में प्राइवेट सेक्टर में हमने एंट्री दे दी, और तीसरे सेक्टर में आ गया रेमो का चाचा सबका बाप कौन, सेबी। बोले अब हम संभालेंगे म्यूचुअल फंड को, लेकिन एक म्यूचुअल फंड को अभी भी वो नहीं संभालता था, यूटीआई। बाकी सबको कौन संभालता था, सेबी संभालता था, बाकी सबको कौन संभालता था, सेबी। तो सेबी आया 1992 में, और उसने 93 में रेगुलेशन बना दिए। अच्छा हमने प्राइवेट एंड लोगों को भी एंट्री दे दी ना, प्राइवेट लोगों को एंट्री दे दी, कौन थे वो प्राइवेट सेक्टर, कोठारी जी हमारे ससुराल वाले, अरे कहां कहे थे हमारे ससुराल वाले, हालांकि वो उसका नाम चेंज हो गया, किसमें मर्ज हो गए, फ्रैंकलिन में, कहां पे हो गए, फ्रैंकलिन, लेकिन हमारे कोठारी हमारे वालों से मस्ती नहीं करने की बेटा, ओके है ना। चलो ये भी याद हो गया आपको। फोर्थ फेज में क्या हुआ, यूटीआई का डाइवोर्स हो गया, यूटीआई का क्या हो गया, डाइवोर्स, पट नहीं रही थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह से लड़ाई कर रहे थे, निब्बा निब्बी जैसे कर रहे थे, तो यूटीआई को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सू यूटीआई मतलब स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई, और दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड। क्लियर है, आते के सुनो, इतना याद रखना है इसके अंदर। पांचवें फेज में देखो क्या हुआ, तो पांचवें फेज में म्यूचुअल फंड ने बहुत ग्रोथ किया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली कितने की बन गई बेटा, 15 लाख करोड़ की बन गई, क्या बन गई, 15 लाख करोड़ की बन गई भाई साहब, बताइए। दूसरा म्यूचुअल फंड में अब कितने लोग अकाउंट, कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है सर। म्यूचुअल फंड में आपको जो यूनिट्स मिलते हैं, यूनिट्स मतलब जैसे शेयर्स मिलते हैं, वैसे क्या यूनिट्स होते हैं, जब कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, कंपनी में जब पैसा डालते हो तो आपको शेयर्स मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में क्या मिलते हैं आपको, यूनिट्स मिलते हैं। तो ये जो यूनिट्स आपको जो मिले हैं बाबू, जो आपको क्या मिले हैं यूनिट्स, वो कौन से प्राइस पे मिलते हैं, नाव पे मिलते हैं, क्या बोलोगे, नाव, नाव मतलब नेट एसेट वैल्यू, NAV उसको बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, हाँ या ना। अच्छा SIP का फुल फॉर्म याद है क्या, बोलो ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कितने लोग SIP में डालते हैं, 1 करोड़, और मंथली रिटेल इन्वेस्टर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 3,500 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 3,500 करोड़ रुपए कहां जाते हैं, SIP में जाते हैं। अब बताओ, अब बोलो समझ में आया क्या, ये अप्रोक्स है, ऑब्वियस ही बात है अप्रोक्स है, 5 करोड़ सब मिला के, SIP और लमसम सब मिला के 5 करोड़ अकाउंट है, यस रीचा वेरी गुड। ये कहां गया आजकल, सोहम का नहीं, जतिन कहां गया, जतिन भैया तू ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा, कहां गया बे, जिंदा है कि मर गया, बोल तेरा 12वां 13वां कर देते हैं मतलब। चलिए डन, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम, बोलो ना, अरे बोलो ना। अच्छा 2022 का डेटा देखो, 2022 में हमने बोला कि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहां तक पहुंच जाएगी, 38 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, हाँ उतना ही पढ़ना है बेटा, उतना ही पढ़ना है, कहां तक पहुंच जाएगी बोलो ना, 38 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी पहुंच जाएगी भाई साहब, 38 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी पहुंच जाएगी। Got the point? Okay, चलिए बड़ी, very good. Okay, highlight देखते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी कितना है देखो, 37.33
अच्छा अब देखो अक्टूबर द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हो गए हैं, 114.4 मिलियन अकाउंट हो चुके हैं। अब याद कितना रखोगे, कितने अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं बोलो, 100 एंड कितना दोस्तों बताइए, 114.4 वन ट्रिलियन अकाउंट ओपन हो चुके हैं। बताइए सुपर, मतलब बहुत ही खतरनाक, मतलब अगर देखोगे तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है। सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स आपके, अच्छा इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने कराया हुआ है नोट्स के अंदर, पढ़ने में भी मजा आएगा आपको। आपने नोट डाउनलोड किए क्या मेरे, करे क्या, बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया है मैंने, तो करना उसको डाउनलोड, यूनिक की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, उस वेबसाइट से नोट्स को डाउनलोड करना, मेरी जान पान की दुकान, ठीक है ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। किसकी बात करेंगे बेटा जी, इंश्योरेंस सेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर की, जब भी बात होगी इंश्योरेंस सेक्टर की, सर कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप, फ्लेक्सी ले ले, स्मॉल मत ले, स्मॉल में थोड़ा रिस्क है, रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क ज्यादा है बेटा, वो मत ले। हाँ बेबी बेबी बाबू जानू सोना गुड्डू, सुनो तो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, मैं कहना तुमसे ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुमसे ये कहना, कहना मैं चाहता हूं तुमसे कि मैंने आज मेरी मेडिसिन नहीं ली है। अयो यो आज लू कि नहीं लू, नहीं लू ना, लेनी चाहिए, चलो अभी कुछ थोड़ा खा के फिर लेता हूं। ओके इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस देखो आजकल हर चीज का इंश्योरेंस आता है, क्या आप आपके मोबाइल का भी इंश्योरेंस निकाल सकते हो, हाँ मुकेश तो अपने किडनी का भी निकाल सकता है, निकलता है इंश्योरेंस। आपको पता जॉन अब्राहम उसने किसका इंश्योरेंस लिया हुआ है, अपने बट्स का, बम का इंश्योरेंस लिया हुआ है। हाँ भरोसा नहीं है भाई, भरोसा ऐसे देखते हैं सर क्या कुछ भी बोलते हो आप, फेंकते हो आप, भरोसा ही नहीं है। अरे भाई जॉन कुछ जॉनी आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ये देखो मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूं भैया, देख लीजिए एक्टर जॉन अब्राहम हैज मेड अप हिज माइंड टू सेट हिज क्या बोलने का अभी बम, इन शॉर्ट द एक्टर हुज बम शूट टू फेम विद दोस्ताना विल गेट हिज बट इंश्योर फॉर अ होपिंग, वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस ले रहा है। बताइए मतलब जैसे बाइक का इंश्योरेंस होता है तो जॉनी लीवर ने काय का लिया हुआ है, जॉनी लीवर बोल रहा हूं, जॉन अब्राहम ने किसका लिया हुआ है, रोनाल्डो बता, रोनाल्डो उसने अपने टांगों का लिया हुआ है, उस हिसाब से जॉनी भैया किसका लेंगे ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या, अपना हम भी ले सकते हैं हमारे गले का, हम भी हमारे गले का ले सकते हैं ना भैया, ये सो नो भाई, गला खराब हो जाए दुकान बंद हो जाएगी अपनी, तो सब अपने अपने अपना अपना शौक है, बताया तो सर आपने, पता है, वेरी गुड बेटा, है ना पानी पिलाओ यार थोड़ा, गला नॉर्मल है ना। चलिए सब अपने अपने, जो देखो जिनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अपना इंश्योरेंस लेते हैं। मैं जॉनी लीवर की बात कर रहा था, तुम किसकी बात कर रहे थे, मैं जॉनी लीवर की बात कर रहा था। जूही बोल रहा कौन जॉनी, जॉनी लीवर रे, जॉनी लीवर जो अंग्रेजी मूवी में काम नहीं करता है सर मुझे अपने सामान का लेना इंश्योरेंस, कैसे लूं, ले ले बेटा सामान का ले ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अबे वैष्णवी जी ऑलरेडी आपको एक्सेस, प्री एग्जीक्यूटिव का आपको लिंक मिल गई क्या, नहीं मिलेगा ग्रुप में, अच्छा आज देता हूं मैं, आज बोलो मेरे को, आज भिजवा देता हूं मैं। जूही बोले पोगो देखो, नहीं बेटा जॉनी मैं लीवर की बात कर रहा था, एक और जॉनी है गोरा है लेकिन उसको बाल है, टकला नहीं है बाल है, जॉनी बेस्ट्रो, जॉनी बेस्ट्रो इंग्लैंड का प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, एक और जॉनी है, यस एक और जॉनी है जिसने अभी अपने वाइफ के अगेंस्ट में केस जीता है, एक और जॉनी है, बस ठीक है सर, दैट्स इट सर, दैट्स इट सर। ओके
सर सब चीजों का इंश्योरेंस ले सकते हैं? हाँ रिचा ले सकते हैं बेटा, है ना, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टोटल इंश्योरेंस निकालने वाले कितनी कंपनी है? 57 कंपनीज है। कितनी कंपनीज है दोस्तों? 57 कंपनीज है, जिसमें से 24 कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस निकालती है और 33 कंपनीज नॉन लाइफ इंश्योरेंस निकालती है। लाइफ इंश्योरेंस कितनी निकालती है? 24 कंपनीज है जो लाइफ का इंश्योरेंस निकालती है। कोई शेयर मार्केट में है क्या? नहीं, मैं तो नहीं, इतने सारे जॉनी है, जो भी बोलती मेरे को तो एक ही पता था, जो कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी इंजीनियर बन जाता है। ठीक है जी, ओके ओके बेटा, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा उसने कुछ लिखा नहीं है, मैं जस्ट किडिंग कर रहा हूं। मैं आज राज गुप्ता, आज प्री एग्जीक्यूटिव का आपको ग्रुप में ऐड करवा के आज आपको इन्फॉर्म करवाता हूँ। मेरे को कल बोलना था ना, मैं आज ही करवा दिया, मेरे जो लगा दे दिया आपको एक्सेस, करवाता हूँ मैं, आप भी करवाता हूँ, डोंट वरी। सर अपने एक्स का इंश्योरेंस ले सकते हो? हाउ? एक्स का इंश्योरेंस लो, बट नॉमिनी खुद को बनाना बेटा, श्रेया, है ना, और उसको लटका दो ऐसी जगह से, मारना कि यू नो, सर कल तलवी ने आई लव यू टू बोल दिया मेरे को, आई लव यू टू ब्रो बोल दिया मेरे को, मैं आज बहुत खुश हूं। अबे ब्रो बोला है, भाई बोला है, भाई वो ब्रो पे फोकस ही नहीं किया उसने, बोला ब्रो इग्नोर करो, आई लव यू टू पे फोकस करो, बोले जो मेरे काम का है उस पर फोकस करो। नो सर, ही इज इंटेलिजेंट मैन। ठीक है चलो, सो टोटल मिला के कितनी इंश्योरेंस कंपनी है? 57 इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, उसमें से 24 जो है वो किसका है? लाइफ का इंश्योरेंस देती है, और 33 जो है वो क्या है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या बेटा? लाइफ के अलावा, लाइफ मतलब एक होता है ना सिर्फ जिंदगी का इंश्योरेंस, और दूसरा जिंदगी जैसे कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, है ना, थ्रोट इंश्योरेंस, बट इंश्योरेंस, लेग्स इंश्योरेंस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन लाइफ, है ना, एक होता है लाइफ और दूसरा होता है। सर आप भी तो किसी के एक्स होंगे? नहीं बेटा, मैं एक्स वाई जेड तीनों हूं, है ना। चले आगे बढ़ते दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, वाई जेड नहीं बोला मैंने, सिर्फ एक्स वाई जेड बोला मैंने। ओके, सो टोटल मिला कितनी है? 57 कंपनीज है, उसमें से 24 लाइफ का है और 33 किसकी है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कौन सी है जो लाइफ इंश्योरेंस निकालती है? LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो आपका एड आया था कि हमारे ये तो चले गए, लेकिन साथ में इन्होंने ली थी इंश्योरेंस पॉलिसी, इसीलिए आज हम खुशी से जी रहे हैं। वो मतलब कन्या जिसका पति गया वो भी खुश होकर बोल रही थी, वो तो चले गए हैं, हाँ है ना, लेकिन आज भी हम मजे कर रहे हैं। यस और नो? क्योंकि हमारे इन्होंने क्या लिया था? इंश्योरेंस लिया था। मतलब लोगों की मौत का भी क्या हो सकता है? जश्न हो सकता है, बताइए, है ना। अब आप अगर आप इंश्योरेंस एजेंट से वगैरह मिलोगे आप, तो वो क्या करेगा आपको? वो आपको जीने से ज्यादा मरने की वैल्यू बताएगा आपको। ही विल ट्राई टू कन्विंस यू कि भैया तू अगर जिंदा रह के इतना नहीं कमा पाएगा जितना मर के कमा सकता है। तो अगर आज मर जाए तो तेरा 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तेरी वाइफ को, देख। वो बंदा भी सोचता है साले मैं मर जाऊंगा तो वाइफ मजे करेगी, मालूम पड़ा वाइफ दूसरों के साथ घूम रही है, हाँ है ना, करेक्ट है ना। सो मतलब यही बात है सर, हम बच्चों को सेकेंड, चलो ठीक है। सो क्या बोला गया बेटा? 57 33, गॉट द पॉइंट। अच्छा, एक कंपनी है जो जिंदगी का मतलब पब्लिक कंपनी है जो लाइफ का इंश्योरेंस निकालती है, दैट इज व्हाट? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, किसमें? नॉन लाइफ इंश्योरेंस में पब्लिक सेक्टर कंपनी कितनी है? 6। कितनी है बेटा? पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसमें GIC आपने नाम सुना होगा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कीप इट वेरी सिंपल, सुन आराम से समझते हैं। टोटल इंश्योरेंस कंपनी कितनी है? 57। उसमें से लाइफ इंश्योरेंस कितनी कंपनी निकालती है? 24। नॉन लाइफ कितना निकालती है? 33। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें से ऐसी कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो गवर्नमेंट की है? LIC। और नॉन लाइफ में ऐसी कितनी कंपनी है जो गवर्नमेंट की है? 6। समझ में आया? तो कैसे? नो, हाँ ना, अरे यस सर, नो, अरे यस सर, नो, गॉट द पॉइंट बेबी? यस बड़ी, आई द ब्रिज। चले ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके दोस्तों, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड इज व्हाट बेटा? आपका क्वेश्चन है ऐसा कि मतलब कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है बेटा, ओके। सो ये हो गया आपका क्या बेटा जी? इंश्योरेंस के बारे में। अब देखो यार, इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, एक होता है यू नो, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा,
टप्पू के पप्पा कौन और जेठालाल के पप्पा कौन? बापूजी। तो टप्पू जेठालाल का बाप टप्पू और टप्पू का बाप जेठालाल। बायोलॉजी की तो पूरी बैंड बजा दी भैया इसने, हाँ पूरी बैंड बजा दी, बताओ इसने। टप्पू, जेठालाल, बापूजी, हाँ है ना, करेक्ट है कि नहीं है? जेठालाल का मजा आता है ना। बोले सर बबीता जी कौन है? वो तो छोड़ो, ये बताओ, हमको वो ज्यादा पसंद है। क्यों? गंदे लोग आई है, बट आई लव बबीता जी। ओके, मैं रोज रात के उनके वीडियो देखता हूँ, तारक मेहता वाले है ना। और कौन से वीडियो बनाते हैं वे? बड़ा हंसा है पाजी, तुसी बड़े रंगीन हो बबीता जी, सुन के तुम्हारे चेहरे पे चमक आ गई है भैया जी, क्या बात है। ठीक है, जस्ट किडिंग। सो मतलब टप्पू को प्रोटेक्शन कौन देता है? जेठालाल। और जेठालाल को प्रोटेक्शन कौन देता है? बापूजी। वैसे ही आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, लेट से नाम भूल गया दोस्त, समीरन, समीरन ने अपना इंश्योरेंस लिया आईसीआईसीआई के पास, मतलब आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस देती है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ क्या देती है? इंश्योरेंस देती है। तो इसने इंश्योरेंस लिया आईसीआईसीआई इंश्योरेंस के पास, और आईसीआईसीआई ने अपना खुद का इंश्योरेंस लिया जीआईसी के पास, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? क्या आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस लिया और उस कंपनी ने भी किसी और से इंश्योरेंस लिया है, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस। समीर ने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका और क्या करवाया? री इंश्योरेंस करवाया। तो दुनिया और देश में एक ही ऐसी कंपनी है जो री इंश्योरेंस करके देती है, जिसका नाम है जीआईसी, दैट इज व्हाट, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो देयर इज सोल नेशनल री इंश्योरर, नेमली जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक ही ऐसी कंपनी है जो री इंश्योरेंस लेती है, वो कौन सी बेटा? जीआईसी, दैट इज व्हाट, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत है? कोई टेंशन है? पक्का दिक्कत तो नहीं है कुछ? सच्ची क्या? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सर यहां की गर्ल्स को समीरन की जरूरत है। समीरन ब्लशिंग ब्लशिंग हैप्पी पजूस पर पजूसन पर अभी कहां चालू हो रहा है? दो दिन कल से, अच्छा हाँ हमारा कल से चालू हो रहा है, हैप्पी पजूसन। चले बहुत बढ़िया। पजूसन मतलब हम लोग एक 8 दिन हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हम कुछ ग्रीन नहीं खाते हैं, कुछ हम ऑनियन गार्लिक वगैरह जो जमीन के अंदर होते हैं वो नहीं खाते हैं, और बहुत सारे फास्ट करते हैं। जैसे अभी मेरी मम्मी ने, वो तो अलग ही है बाबा, 42 डेज का फास्ट किया। कितने दिन का? 42 डेज। और उस फास्ट में ऐसा था 21 दिन कुछ भी नहीं खाना, मतलब अल्टरनेट डे, एक दिन कुछ भी नहीं खाना और एक दिन एक टाइम खाना, एक दिन कुछ भी नहीं खाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, और दूसरे दिन एक ही टाइम खाना। ऐसे कितने दिन किए? 42 डेज। और पूरा घर का काम करके, ऐसा नहीं कि घर पे काम वाली वगैरह, वो मम्मी रखती नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ यार सब बर्तन के लिए, कपड़े के लिए, कपड़ों का है शायद से, नहीं बर्तन के लिए है, बर्तन के लिए रखी हुई है, झाड़ू पोछा के लिए। मैं बोलता हूँ यार रख लो ना, क्या दिक्कत है, अभी तो कोई टेंशन भी नहीं है, रख लो आप, अभी तो हमारे दिन भी ठीक चल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लिया है मैंने, पहले नहीं थे तो सब समझ सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नहीं छोड़ती और पूरा काम करती है घर का, पूरा घर का काम करे, मतलब 42 डेज के बाद में भी बोल रही थी कि मैं आगे और करती हूँ। मैंने बोला नहीं मम्मी रहन दो, तबियत बिगड़ जाएगी, क्या मतलब बनता है। पप्पा तो चिल्लाने लग गए एकदम से कि समझा उसको, मम्मी को समझाते रहे, क्योंकि मम्मी क्या मेरे से थोड़ी मेरी बात तुरंत सुनती है ना एकदम, मतलब मैं बोल रहा हूँ हाँ लाडला हूँ मैं मम्मी का, मम्मास बॉय हूँ मैं। तो मैंने फिर बोला अभी नहीं, आगे कभी कर लेना है ना, जब आप पुणे रहो तभी कर लेना, क्योंकि फिर आपका टेक केयर करने वाला कोई होगा है ना। अभी करिश्मा मतलब मेरी वाइफ का भी, उसका भी जॉब चलता है, तो आप यहाँ रहोगे तो क्या है कि वो थोड़ा आपका ध्यान दे पाएगी, वहाँ तो कोई है ही नहीं अभी ध्यान देने के लिए। तो फिर मम्मी बोला ठीक है मैं नहीं करती हूँ। तो 42 डेज किया फिर भी, बाप रे अपन तो सोच भी नहीं सकते, मैं एक दिन करता हूँ,
मैं एक दिन करता हूँ, मतलब वेनेसडे को करूँ रहेगा मेरा फास्ट, जिस दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रात को सोते टाइम तो मेरे को कभी वड़ा पाव दिख रहा है, हाँ भूखे आदमी उस दिन पाव भाजी दिख रही है। वैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं वैसे ही ऑयली फूड वगैरह मैं इन जनरली नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे थ्रोट को जमता ही नहीं है ना, गला खराब हो जाता है, तो मैं वैसे ही नहीं खाता हूँ। लेकिन उस दिन रात को सब दिखेंगे, सब इच्छाएं आएगी बाहर, दिन भर से भूखे। रात को जब सोने जाते हैं 9, 9:30 बजे प्रेयर करके 9, 9:30 बजे सोते हैं, तो जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कभी पाव भाजी दिख रही है, कभी चीज दिख रहा है, कभी समोसा दिख रहा है, कभी ये, अरे भैया नींद ही नहीं आती, कभी इधर से उधर हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। जैसे सुबह होती है पहले ब्रेकफास्ट दो बेटा, ऐसा पहले पप्पा का सुना दो, तभी तो अब आपकी सुनती है सर मम्मी, ठीक है। सो कहने का मतलब, दिस इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, पहले वाला तो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो द रिटेल एट CAGR। अच्छा ये सब ना आपको बहुत टेक्निकल वर्ड है, CAGR वगैरह, ये सब अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना सर। सही है आपकी लाइफ भी, हाँ फास्ट में सर ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है सर। अश्लीषा को बताओ, अश्लीषा नहीं है बेटा। दिव्या बोलती सर मैं विदाउट पानी करती हूँ। गुड, ग्रेट, दैट्स ग्रेट बेटा, विदाउट पानी करती है, लेकिन करती किसके लिए, अच्छा पति मिले इसके लिए। हाँ तू भी करती है क्या? 16 सोमवार, 16 शुक्रवार है, बट वो फास्ट में तो सब खाते हैं वे, खिचड़ी खाओ, ये खाओ, हमारे फास्ट में कुछ खाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी मतलब कुछ ना फ्रूट्स ना कुछ, कुछ भी नहीं, सिर्फ वार्म वाटर पी सकते हो आप, गर्म पानी पी सकते हो वो भी, बाकी कुछ भी नहीं। नहीं तो वो मैं भी करता था वो वाला फास्ट, कौन सा अपना नॉर्मल वाला जो आता है ना, वो भी मैं भी कर रहा था वो, क्यों नहीं, पत्नी थी ऐसे ही क्यों कर रहा था मालूम, उस दिन अपने को खाने को बहुत मिलता था। फिर सुबह उठे नाश्ते में साबुदाना खिचड़ी मेरी फेवरेट है, तो खिचड़ी मिल जाएगी। रात को फिर इधर अपना पुणे में ना रविवार पेट में, सर आर यू सिंगल जॉइंट हो गया? नहीं 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 बेटा, नहीं मेरा भाई भी है, छोटा भाई भी है, तो रविवार पेट में साबुदाना वड़ा बहुत फेमस है, पता है क्या आपको, पुरोहित स्वीट्स के पास में जो है, रात को साबुदाना बड़े आएंगे, बीच में फिर वो चिप्स खाएंगे, ये वो, बड़ा मजा आता था। चलिए ठीक है, ओके, विल टेक केयर, विल सी या, मिलते हैं। दो लाइनों के साथ छोड़ता हूं कि जब जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सर पढ़ाई करो नहीं तो छोड़ दो, सॉरी राज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बड़ी, है ना, आई एम सॉरी दोस्त। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल, मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ। अब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देख रही।